Excuse me. वो आप ही, I mean, आप ही ने मेरी जान बचाई ना? Exactly. मुझे तो वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लगी. तो अपनी मर्जी से वहां पे गई थी या किसी ने जबरदस्ती आपको अनारकली बना दिया? ये तो कोई बात, फिलहाल हम नाम से ही काम चला लेंगे. By the way, this is Krish. हेलो मैडम. अजीब लड़की है, इतनी दूर से चल के आई फिर भी हाय ना हेलो. बेहोश हो गई मेरे को. हेलो मैडम. हेलो मैडम. हेलो. ओह थैंक गॉड तुम जिंदा हो. अरे यार भूलती हो, बीमारी है. अब्बा डब्बा चब्बा नहीं, मेरा नाम क्रिश है, माहिर नहीं. आपका नाम क्या है? भूल गई, याद आएगा. पानी लेके आता हूं, पानी पी के याद आएगा. वेट. हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन? नथिंग, मैं जा रही हूँ. तुम्हें यहाँ रोकने का मुझे कोई शौक नहीं है मैडम, लेकिन अभी रात हो रही है, कल सुबह चले जाना. I'm fine. वैसे भी मैंने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया. तुम्हारे वही फ्रेंड्स जो तुम्हें बिल्डिंग में बचाने के लिए आए थे. मतलब? मतलब क्या? तुमको किसी ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, जलने के लिए छोड़ दिया था, और अगर वक्त पे मैं वहां ना पहुंचता ना तो तुम जिंदा से मुर्दा हो जाती. इसलिए ओवर स्मार्टनेस दिखाना बंद करो और मुझे बताओ कौन थे वो लोग. मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम सुन सकती हो ना? आई नीड टू लीव. एक्सक्यूज मी, मेरी बात का जवाब दो. क्रिश को कोई इग्नोर नहीं करता. हाथ छोड़ो मेरा. हाउ डेयर यू टच माई हैंड. हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा हाथ पकड़ने की, मुझे छूने की? अरे 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 अरे, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा ये टच मी नॉट वाला बिहेवियर है तो मैं ही तुम्हें जलता हुआ ही छोड़ा था. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि उस बिल्डिंग से यहाँ तक ना तुम मेरी गोद में आई हो, और यहाँ बाहर चक्कर खा के तुम मेरी बाहों में ही गिर गई थी. पता है? नहीं ना, मैं बता रहा हूँ. इसलिए मुझे बता दो कौन थे वो लोग. क्यों बताऊँ मैं? किस हक से पूछ रहे हो इतने सारे सवाल, और क्यों पीछे क्यों पड़े हुए हो मेरे?
मैं किस हक से तुमसे सवाल पूछ रहा हूं? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारी जान बचाई है मैंने अपनी जान पे खेलकर। मैं तुमसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। और रही बात तुम्हारे पीछे पड़ने की, तो कृष्ण किसी लड़की के पीछे नहीं पड़ता, लड़कियां कृष्ण के पीछे पड़ती हैं। समझ में आई? I'm sorry, okay? मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। I'm very confused right now. Good. अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से सॉरी सुन के। थैंक यू बोलना भी सीख लो। लुक, कुछ भी होता है यार। रोही, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। हमारे मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे तुम्हारे लिए। बिना तुम्हें पता है, उस सुमित्रा और युवी ने कुछ कोशिश की थी और तुम, this is, मेरा तुमने बताया क्यों नहीं कि माहिर जिंदा है? वो, ये पहले ये बेहोश हो गई, अब आप चिपक रही हैं। एग्जैक्टली चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जनरली लड़की ऐसा करती हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। विशाखा, ये माहिर नहीं है, ये क्रिश है और इसने मेरी जान बचाई थी। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। और मैं कुछ जानना चाहता भी नहीं। So I need to leave. आप लोग continue कीजिए। Thank you. लेकिन रोही, ये माहिर कैसे नहीं हो सकता है? इसकी आवाज, इसकी शक्ल, गुलेर से सब तो माहिर से लगता है। सूरत माहिर से मिलती है, सीरत नहीं। He's identical. क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मैं अपने माहिर को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें लगता है जिस तरह से ये बोल रहा है, बातें कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, ये माहिर हो सकता है? माहिर अगर यहाँ पे होते तो मुझे कोई ना कोई इशारा देते। He would have given me some signal. I'm so sure ये माहिर नहीं है। लेकिन रोहित, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोगों की शक्ल बिल्कुल हूबहू मिले और उनकी हरकतें एक जैसी हो? लेकिन मुझे नहीं पता विक्रांत, मैं खुद हैरान हूं। पता नहीं भगवान क्या खेल खेल रहा है। अभी प्लीज चले यहां से। Hey. What, bro? सुबह गाड़ी साफ करवाई है। नीचे आने का क्या लेंगे? अच्छा, मैं नीचे लेके आता
तुम लोग ऐसे संभालो, मैं ना संभालता हूँ। संभल के संभालो, संभालो। बेला, हम इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। इसने तुम्हारी जान बचाई है। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। विशाखा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। इस तरह इसे इस घर में लेके आना विशाखा गलत है। पर इसकी हालत देखो, इस हालत में हम उसे वहाँ कैसे छोड़ सकते थे? तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, सही कर रही। पर गलत है। माहिर के जाने के बाद सोचो ना, डैड का, कुहू का क्या हाल हो रहा होगा। ऐसे में हम इसे घर के अंदर लेके जाएंगे। तुम उनकी फिक्र मत करो, इसकी हालत देखो, इसे अंदर ले जाना जरूरी है। तुम बेल बजाओ। रिलैक्स, संभालिए अपने आप को डैड, ही इज नॉट माहिर। माहिर भाई, रोहित, इस अंदर लेके जाओ। क्या हो गया तुमको? कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम जैसा ही देखा है इसीलिए ये हाल है। वो बस माहिर जैसा दिखता है, माहिर नहीं है। आप लोग अंदर चलो, हम आपको सब समझाते हैं। संभल के। क्यों रुके हो भी? दरवाजे पे सुलाना है। चलो। काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, हर जगह भी तस्वीरें। फोटोजेनिक नहीं हो जितनी सामने से अच्छी लगती। तुम्हें आराम की जरूरत और तुम्हें स्माइल की। कर लूंगा मैं। आओ बिला, चाय पी लो, तुम्हारा हेडेक ठीक हो जाएगा। थैंक यू। अब डैड को मेरे रूम में से माहिर की तस्वीरें किसने हटाई हैं? वो मैंने हटाई हैं। माहिर भाई की सारी तस्वीरें मैंने हटाई हैं। ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। I'm sorry बिला, माहिर के साथ जो उसके बाद मैं तो स्ट्रांग नहीं हूँ। जब भी उसकी फोटोग्राफ देखता हूँ मुझे लगता है कि मुझसे कुछ कह रही है, कह रही है कि डैड वांटेड टू सेव मी। आपकी कोई गलती नहीं है। तुमने ठीक किया वो फोटोग्राफ्स हटा के। ऑनेस्टली
प्लीज किसी गिल्ट में मत रहना। तो बेटा तुम शो वो क्रिश जेनुइन है, कोई किसी के चाल तो नहीं है। हाँ कहीं मॉब ने तो उसे नहीं भेजा। अगर वो जेनुइन नहीं होता तो वहां वो मुझे बचाने नहीं मारने आता। बट आई स्टिल कांट बिलीव कि वो माहिर भाई नहीं है। भाभी एक बार और पूछ के देखो प्लीज। वो माहिर नहीं है, अगर वो माहिर होता तो मुझे पता चल जाता डेफिनेटली। ही इज नॉट माहिर। एक्सक्यूज मी। बेला तुम ठीक हो? ठीक हो। इतनी गहरी चोट लगने के बाद बचना मुश्किल था, लेकिन रूही विशाखा के कहने का वो मतलब नहीं था। वो तुम्हारी भारी चोटों के बारे में बात नहीं कर रही, अंदरूनी चोटों के बारे में बात कर रही है। हाँ बेला, तुम्हारे दिल का पूछ रही हूँ। कैसी हो तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये लड़का क्रिश बिल्कुल माहिर की तरह दिखता है। तुम उसके सामने अपने दिल दिमाग कैसे संभाल रही हो अपने आप को बेला? पता नहीं किसने इसे दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन मैं जानती हूँ वो सिर्फ माहिर जैसा दिखता है, माहिर है नहीं। क्योंकि माहिर तो जा चुका है, छीन लिया गया है उसे मुझसे। I'll be never okay again. इसलिए मत पूछो कि मैं कैसी हूँ, क्योंकि कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा विशाखा, कभी नहीं। बेला जो कुछ भी हो उसके लिए हमें कुछ तो करना होगा। क्या सोचा है आगे क्या करना है? अभी कुछ मत कहो, उससे भी थोड़ा समय दे तो। इतनी जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी की बात नहीं है, मैं तो बस बेला को माहिर की याद दिला रही। कोई जरूरत नहीं है विशाखा, क्योंकि माहिर को बिल्कुल भूल ही नहीं सकते। टेक योर टाइम बेला, आगे जो करना है हम बाद में कर लेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमें जो कुछ भी करना है उसमें हम तुम्हारे साथ हैं। विशाखा मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना, मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए कोई चीज मायने नहीं रखती, मेरे लिए सब खत्म हो चुका है विशाखा। मेरी जब तक सांसें चल रही है मैं जिंदा हूँ, मेरी सांसें रुक जाएंगी मैं मर जाऊंगी। मत कहो, ये माहिर के साथ इंसाफी नहीं ना इंसाफी होगी बेटा, ऐसा मत कहो। ये क्या था? मैं देखती हूँ। सिलोगी क्या? बहुत खून बह रहा है। इसका मतलब मैं इंसान हूँ, वैम्पायर नहीं।
तुम हर बात का उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? मैडम मैं जवाब दे रहा हूँ, इतना ही बहुत है, उल्टा सीधा तो छोड़ ही दो। By the way, I need to leave. तो अपने घर वालों में से, अपनी फैमिली में से किसी को बुला लो। पहली बात मैं ठीक हूँ, दूसरी बात मेरी फैमिली में कोई है नहीं। See, I know you are a strong person, you are a firefighter, but still. क्या कहा? Firefighter? मैं? Oh, तुम्हारी जान बचाई इसलिए? हाँ, इस बिल्डिंग में तुम फंसी थी वो मेरी बिल्डिंग थी। हाँ मैं बिजनेसमैन था, ऐसी हजारों प्रॉपर्टीज हैं मेरी, जिनमें से एक में तुम फंसी हुई थी और मुझे आग लगने की खबर आई। लकीली मैं अपने क्रू के साथ वहाँ पे निकला हुआ था ड्रिल पे। तो तुम एक ट्रेन फायरमैन नहीं हो। ट्रेंड हुई या नहीं, तुम्हारी जान तो बचा ली ना, यू शुड से थैंक्स। थैंक्स बेटर, पर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तुम्हें बचाना नहीं चाहिए था। मैं ये बैंडेज निकालने की बात कर रही हूँ, ऐसे मत करो, इसे छोड़ दो, मत निकालो, इसे इन्फेक्शन हो जाएगा। और तुम्हारी फैमिली में कोई तो होगा जो? हाँ, सात लोग हैं, मेरा स्टाफ, उनमें से एक मेरा केयरटेकर है जो गांव गया हुआ है क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी का कोई मैटर फंसा हुआ था। और कुछ? आई कैन चेक माईसेल्फ इन टू अ हॉस्पिटल और टू अ होटल, डोंट वरी। आर यू श्योर? वहां पे अटैक हो सकता है तुम पे, आई डोंट थिंक सो, यू आर सेफ देयर। देखो तुमने मेरी जान बचाई है, मैं सिर्फ इसीलिए अपना कंसर्न जाहिर कर रही हूँ। एटलीस्ट देखो ये मेरे इन लॉज का घर है, तुम यहाँ पे रह सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे राइवल्स के आने का भी कोई डर नहीं। डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं, इस हालत में भी 10 पे भारी हूँ। फाइन, जो मन में आए वो करना। एग्जैक्टली, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल करता है, उसके लिए मुझे किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, कैब बुला देती हूँ तुम्हारे लिए, आई होप इसमें तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं होगा। Are you okay? तुम ठीक हो ना? तुम मुझे जब लगती तो नहीं जैसे सवाल करती हो। देखो मैं कह रही हूँ एक बार फिर से सोच लो, जब 10 लोगों से लड़ने लायक हो जाओगे तब चले जाना इस घर से। ओके फाइन, मैं तुम्हारा ऑफर ले लेता हूँ, तो स्टेइंग। मैं कहा ना इससे मत छेड़ो, इन्फेक्शन हो जाएगा, क्या कर रहे हो, मत निकालो ना। हाँ छोड़ो। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है मुझे। मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं, हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, आई विल हैंडल इट। माहिर तुम बहुत जिद्दी हो। क्रिश, लगता है तुम्हारे दिमाग पे गहरी चोट लगी है। KRISH, क्रिश नाम है मेरा। चलो हमारे साथ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं मैंने क्या गलत किया है, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैं आपको दोष मत दूं बेटा, और विक्रांत बिल्कुल सही कह रहा है, हमें हवेली जाना चाहिए, अघोरी बाबा से सलाह मशवरा करना चाहिए, शायद कुछ पता चल जाए। यहाँ पर बैठ के कुछ नहीं होने वाला। रोहित, मुझे लगता है कि सुमित्रा कोई नई चाल चल रही है। हम तुम्हें ढूंढते उसके नए घर तक गए थे, वहां हमें कोई नहीं मिला था, और बहुत समय से हम पर कोई हमला नहीं हुआ है, मुझसे बात हजम नहीं हो रही है। ठीक कह रहे हो, मुझे अगवा करने वाला और मुझे दीवार में चिनवाने का हुक्म देने वाला भी कोई और ही था। हुजूर कह रहे थे उसे सब, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। कोई बात नहीं, इसलिए तो कह रहे हैं हवेली चलो, अघोरी बाबा से बात करते हैं, शायद वो अपनी शक्तियों से पता लगा ले। हमें हवेली जाना चाहिए, और वैसे भी यहाँ पर रहकर उस क्रिश के साथ तुम उसके ज्यादा करीब। मेरा मतलब है कि बोला वो माहिर की तरह दिखता है, वो तुम्हें तुम्हारे गम को बुलाने नहीं देगा, और वैसे भी कुछ ही दिनों में वो यहाँ से चला जाएगा, तुम्हें उसे दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, तुम दोनों हवेली पहुंचो, मैं डैड और बहू से कह के सीधा वहीं आती हूँ। अपना ख्याल रखना। okay. चलो विक्रांत। डैड कहू, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, आप लोग उस लड़के क्रिश को देख लीजिएगा प्लीज। डोंट वरी। Can't believe वो लड़का माहिर नहीं। He looks exactly like माहिर। उसे देखकर तो मुझे माहिर की इतनी याद आ रही है। I'm sorry Dad, I know मैं उसे यहाँ रख के आपकी तकलीफ और ही बढ़ा रही हूँ, आपको रह रहे कि उसे देख के माहिर की याद आ रही है। It's fine भाभी, वैसे भी माहिर भाई को हम नहीं भूल सकते, और आप जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, आप हेल्प कर रही हैं किसी की, and I'm sure अगर माहिर भाई भी होते ना तो आपको यही करने को कहते। कहू कितनी बदल गई है, पहली वाली कहू ऐसा कभी नहीं कहती। आप नहीं बदले हो? मैं कहाँ बदला हूँ, I'm still the same.
मैं चलती हूँ, I'll see you guys. अच्छा, एक मिनट भाभी, मुझे ना रूही के लिए कुछ सामान मंगवाना था, तो मैं भी चलूँ आपके साथ? कोई जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही घर का इतना ख्याल रख रही हो, बिजी रहती हो, ये लिस्ट मुझे दो, मैं लेके आ जाऊंगी. मैं पहले ये स्टफ ड्रॉप कर दूंगी, उसके बाद अपने काम से चली जाऊंगी. बट आपको स्पेशली, दैट्स फाइन, गो टेक रेस्ट. ओके. क्रिश कहाँ जा रहा है? इसकी हालत अभी ठीक नहीं है, इसे रेस्ट करना चाहिए. ये तो कह रहा था इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, फिर ये किसके साथ जा रहा है? कुछ गड़बड़ तो जरूर है. पीछे वाले रास्ते से जाके पता करती हूँ. चला गया, अब तक तो इससे चला भी नहीं जा रहा था ठीक से, और अभी अचानक गायब हो गया. कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? उसे चोट भी लगी है या सब नाटक कर रहा है? यही हो? नहीं नहीं, यहाँ मेरा भूत है. I was in the washroom. मतलब all this while तुम यहीं थे, कहीं बाहर नहीं गए? आओ, now I get it. बाहर जाना है. कॉफी पे, चलो. Come. That was rude. आप ऊपर से कैसे भाभी? मैं गॉन आउट ना, पीछे की एंट्रेंस से आ गई थी और मैं सीधा अपने कमरे में चली गई थी. आई हैव गॉट द स्टफ, एक सेकंड. ये रूही का सामान सब मिल गया जो तुमने लिस्ट में रखा था. थैंक यू भाभी. अच्छा, जब मैं बाहर थी तो आप में से किसी ने क्रिश को बाहर जाते हुए देखा कमरे से? नहीं, बिल्कुल नहीं. पूरा टाइम तो वो अपने रूम में ही था. ऑफ कोर्स देखा था. वो लग रहा था बाहर गार्डन में खेल रहा था. बट मैंने क्यों नहीं देखा? Because you were self-absorbed. तुम मिरर में अपना मुंह देख रही थी. I'm really sorry, Kuhu. I was wrong about you. तुम बिल्कुल नहीं बदली. Okay, okay. You're really absorbed. बस. हाँ. अब चले. Excuse me. ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़की को मैंने अपनी आंखों से उस लड़की के साथ जाते हुए देखा, फिर वो अपने कमरे में कैसे हो सकता है? यानी ये क्रिश मेरी माहिर की तरह दिखता है, पर कोई और भी है जो इसकी तरह दिखता है? पागल हो गई हो बेला, कुछ भी सोचे जा रही हो. ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. ये मुझे विश से बात करनी होगी. नेटवर्क ही नहीं है. विशाखा, विक्रांत, मैंने उन दोनों से यहीं आके मिलने के लिए कहा था, फिर अब तक आए क्यों नहीं वो? और ना फोन भी नहीं लग रहा है. एक तो यहाँ नेटवर्क नहीं होगा. जाओगी तो तुम भी बेला, बस इस खेल के खत्म होते होते तुम भी खत्म हो जाओगी. यो
हो क्या रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे आसपास कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है और कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? कौन कर रहा है ये ऐसा? ये हुजूर कौन है? विक्रांत, ये सब चल क्या रहा है? हो सकता है कि इन्हीं साफ़ों की वजह से हम अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये हम पर नजर बनाए रखे हैं। पर बेला, उसे तो बताना होगा। मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है, उससे बात कैसे होगी? एक सेकंड। मुझे पता है ये लोग कहाँ जा रहे हैं। कहाँ? नाग मंदिर, नाग हवेली जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो फिर हमें जल्द से जल्द रोही के पास पहुंचना होगा। मैं किसी तरह इनसे बच के हवेली के पास जाती हूँ। बेला शायद वहां पे इंतजार कर रही होगी। तुम घर पर देखो। ये विश्व और विक्रांत कहाँ चले गए? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है जहां से वो मुझसे बात तक नहीं कर पा रहे हैं? What? देख के नहीं चल सकते? कोई प्रॉब्लम है? यू नीड टू गेट योरसेल्फ चेक्ड। मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा हिल गया है। जब तुम्हारा दिमाग टकराया दीवार से तो तुम्हारे सेल्स में ऑक्सीजन की कमी। डिड यू जस्ट शश मी? सुनाई नहीं दे रहा है, बीन की आवाज आ रही है। What? बीन? नहीं, वो मैंने सुना लेकिन बीन की आवाज नहीं सुनी। क्योंकि तुम सुनोगे भी नहीं, नहीं सुनेगी तुम्हें। I'll just तुमसे बात भी क्यों कर रही हूँ? Doesn't matter। ओह हेलो, इतना रूड होने की वजह जान सकता हूँ मैं? क्यों? जब तुम रूड होते हो तो बताते हो उसकी वजह, नहीं ना? बात तो सही है। Go away। मुझे लड़कियाँ अच्छी लगती है जो रूड होती है ना। वो वैसे मैं इतना मेहरबान लड़कियों पर जनरली होता नहीं, लेकिन फिर भी आज मेरा मन अच्छा है क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा मैं एकदम फिट एंड फाइन हूं। तो क्या खाएंगी आप, चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम? तुम्हारी जैसी लड़कियां स्ट्रॉबेरी खाती होंगी। हेलो, कितनी बार कहा ना चॉकलेट? कितनी बार का मतलब? नहीं नहीं, भूल ये नहीं, तू कर रही है बेला। ये तुम्हारा माहिर नहीं है, लेकिन फिर ये उसकी तरह सवाल क्यों कर रहा है? बीन की आवाज। कसम। ओ हेलो, अब बेला भाभी आप यहाँ हैं? मैं आपको सब जगह ढूंढ रही हूँ। मैं कहूँ इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं तुमसे आके बात करूँ। भाभी वो डॉक्टर आ गई है। हाँ, कृष को देखने के लिए ना, उसने बताया मुझे वो ठीक है। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है हम सबको भी अपना जनरल चेकअप करा लेना चाहिए। देखो मेरा चेकअप हो गया है और डैड का चेकअप चल रहा है, आप भी अपना। देखो शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने कुछ दिनों पहले ब्लड टेस्ट करवाया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तुम जाके डैड का चेकअप करवा लो प्लीज। भाभी इट्स नॉट दैट। क्या हुआ गुरु? वो व्हाट? डैड, डैड के साथ सब ठीक नहीं है। मतलब? ही इज नॉट ओके। एंड एक्चुअली ऐसे सिचुएशंस में यूजुअली माहिर भाई हमेशा हैंडल कर लेते थे सब कुछ, लेकिन अब मैं बहुत अकेली हूँ। तुम अकेली हो? मतलब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हूँ, कैसी बातें कर। अच्छा आओ, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। कम ये बीन सारे नाग नागिनों को आने का बुलावा दे रही है, लेकिन क्यों, क्या चल रहा है ये? चलो ना भाभी, आओ चल। डॉक्टर आई एम फाइन। लंबी सांस लीजिए। डैड आई एम फाइन। डॉक्टर आप इनसे बात कर सकती हैं, ये मेरी भाभी हैं। हाय डॉक। हेलो, देखिए इन्हें लिवर इन्फेक्शन हुआ है। ऐसे घबराने की बात नहीं है। अगर टाइम पर इलाज नहीं किया गया तो इन्फेक्शन और भी बढ़ सकता है।
I'm fine, but there's no problem. सुना नहीं डॉक्टर ने आपको क्या कहा? एक्चुअली ना आपको हम लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं है, तभी तो यू आर सो केयरलेस विद योर हेल्थ. आप चाहते हैं कि कैसे भी आपको हमसे छुटकारा मिल जाए, है ना? यू डोंट लव अस, इन फैक्ट यू डोंट लव रूही ऑल्सो. कुहो प्लीज काम डाउन, इतना ऐसा कुछ नहीं है. इट्स नॉट सीरियस, रिलैक्स डॉक्टर, जस्ट प्लीज देखिए व्हाट बेस्ट वी कैन डू. ठीक है, फिलहाल मैं एक इंजेक्शन दे देती हूँ ताकि इनका इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रुक जाए, और फिर बाद में हम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह तो करवा ही लेंगे. क्या हुआ? Nothing. वैसे कुहू जी, जो मैं आपको मल्टीविटामिन का टॉनिक दे रही हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आप रेगुलर ले रही हैं ना? जी डॉक्टर, अभी आधे घंटे पहले मैंने एक स्पून किया. वेरी गुड. डैड प्लीज टेक रेस्ट नाउ, और जो भी मेडिसिन हैं आपको वो प्रॉपरली टाइम पे खानी पड़ेगी. एक्चुअली मैं नेक्स्ट आपको ही चेक करने के लिए आने वाली थी. चलिए आपका भी चेकअप कर लेते हैं. नो नो, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है. बेला प्लीज, इन आई थॉट आई एम फाइन, लाइक बट लुक व्हाट हैपेंड टू मी, प्लीज चेकअप करा लो. Okay. चलिए मैं डैड के साथ बैठती हूँ, आप प्लीज अपना चेकअप करवा लीजिए. पर डॉक्टर आप चेकअप करके ही जाएंगी. जी बिल्कुल, चलिए. आइए आपका चेकअप कर लेते हैं. डॉक्टर मुझे किसी बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है. हेल्थ से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? और इस वक्त तो आपको अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. एक्चुअली कुहू जी ने मुझे बताया आपके हस्बैंड के बारे में, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इस वक्त अपने बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है. आइए जल्दी चेकअप हो जाएगा. I'm absolutely fine. It's just that मुझे देर हो रही है, मुझे जाना. मिसेस सहगल, मैं अपना काम करने आई हूँ, और प्लीज आप मुझे अच्छे से अपना काम करने दीजिए. एंडी सर और कुहू जी ने मुझे खास तौर पे कहा है कि आपका चेकअप किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँ. आइए आइए, प्लीज आइए, जल्दी हो जाएगा. सिट डाउन, लेट जाइए. मुझे विश और विक्रांत से बात करनी होगी, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है. गहरी सांस लीजिए. आई होप उस बीन को लेके मेरा अंदाजा गलत हो. हे भोलेनाथ, किसी अनदेखे खतरे का अंदेशा ना हो. खतरे में तो तुम हो बेला, तुम सारे के सारे, क्योंकि तुम्हारे इस घर के आसपास जो सुरक्षा चक्र था वो टूट चुका है. हुजूर ने उसे ऐसे चुटकियों में तोड़ दिया. अंदर चलो सारे, प्लान याद है ना? तो उसे पूरा करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए. चलो. मैम, हार्ट बीट नॉर्मल है, आप बैठ सकती हैं. यू कैन सिट अप. पापा इस तरह क्यों लेटे हैं? ऐसे स्ट्रेन से एंगल में मुझे कुहू को. मिसेस सहगल, ये मल्टीविटामिन से मैं आपको इनका एक इंजेक्शन दे रही हूँ. ओके, खाइए प्लीज. कौन से मल्टीविटामिन? बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए. हमें ऊपर जाना होगा, पर एक बात का ध्यान रखें, जो भी होगा बिल्कुल खामोशी से होगा, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. ठीक है? पर इतना भी क्या डरना, अब तक तो सब बेहोश हो चुके होंगे. सावधानी बरतने में कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? ये मत भूलो, ऊपर वो बेला भी है और उसके होते हुए कुछ भी हो सकता है. चलो मेरे पीछे सर. जल्दी बताओ कौन हो, क्या किया तुमने डैड और कुहू के साथ? जल्दी बताओ वरना मुझे कुछ नहीं पता.
मुझे तो बस अरे घर वालों को बेहोश करने के लिए बोला गया था। किसने बोला? किसके कहने पे किया तुमने ये सब? देखो सिर्फ सच्चाई बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं। जल्दी बताओ कौन हो, किसके कहने पे कर रही? मुझे कुछ नहीं पता, बस कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। वो क्या बड़ा होने वाला है, जल्दी बोलो। ताजपोश, ताज, पुछ, ताज।